जानवी, पता है मैं कब से वेट कर रही थी कि बाबा अब कॉल करेंगे, अब कॉल करेंगे, पर उन्होंने कॉल ही नहीं किया। वो तो तेरी दोस्त मुझे बरखा मिल गई रस्ते में, उसने बताया होने वाले जीजू बहुत हैंडसम है। छप, तूने फोटो भी तो ली होगी ना, क्या देखा? मेरी छोड़, तू अपनी बता। तू जब घर से निकली थी ना, तब चुन्नी ओढ़ के निकली थी, एक ऐसी चुन्नी जिसमें घर की मान मर्यादा एक्सेट्रा ये सारी चीजें छुपी हो। लेकिन जब तू लौट कर आई ना, तब बिना चुन्नी के आई, तो ये मान मर्यादा एक्सेट्रा ये तूने किसी एक इंसान को दे दी या तीन चार जनों में बांट दी? जानवी, नॉर्मली जब तू मुझे उल्टा सीधा कहती है मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, पर अपने कैरेक्टर के बारे में बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। जानवी, जो घर की मान मर्यादा के आगे एक्सेट्रा लगा दे उसे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुझे मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शोभा, आज मैं तेरी जुबान खींच लूंगी और ये हाथ भी तोड़ दूंगी। शोभा, मम्मी, शोभा, शोभा, छोड़ो उसे, छोड़ो। आप बीच में मत आइए। बस करो शोभा। जब जानवी दीपिका की बेइज्जती कर रही थी तब तुमने उसे कुछ नहीं कहा, अब तुम दीपिका पर बिगड़ रही हो। मेरी जानवी की वजह से हम रंक से राजा हुए हैं और यही सब बातें इससे सही नहीं जा रही है, इसीलिए रोज थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है। जानवी, आज तेरी इतनी खुशी का दिन था, मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। I'm so sorry जानवी, सॉरी मैम, मैं ऐसे नहीं। एक मिनट, तुम क्यों सॉरी बोलोगी? पापा मुझे सब नहीं, तुम सॉरी नहीं बोलोगी, चुप। जानवी ने आज जिस तरह से बदतमीजी से बात की है ना, उससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए इसे। हाँ हाँ पापा, आप तो यही बोलोगे ना, आपके लिए बस एक ही बेटी, मैं तो कुछ हुई नहीं आपकी, आप मुझे कुछ भी नहीं समझते। तू ना समझे बेटा, हाँ हमारे लिए भी ये दोनों कोई नहीं है। तेरे पास तेरी माँ है, ये तेरा बूढ़ा बाप रहे या ना रहे, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा हमेशा से सपना था कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी फिर छोटी की। मैं तब तक तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, जब तक तुझे वो नहीं मिल जाता जो तेरा हमेशा ध्यान दे, जो हमेशा तेरा साथ दे। तू अपने घनश्याम जी को अपना सखा मानती है ना, तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई खास तेरे लिए छुपा कर रखा होगा। सच कहूं ना तो इस जन्माष्टमी पर मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है बेटा, कि वो अपने बर्थडे पर तुझे गिफ्ट में तेरा जीवन साथी दे दे। और मैं जानता हूं कि हमारे घनश्याम ने तुम्हारे लिए किसी न किसी योगी को बनाया है, कोई ऐसा जिसकी आंखों को तुम्हारी तलाश है, कोई ऐसा जिसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम है, वो तुम्हारा हाथ थामने अवश्य आएगा। अरे अब सोच में क्या पड़ गई, खा और मुझे भी खिला। हाँ। चल ये रुक, ये चटनी थोड़ी ज्यादा डाल दे। हाँ, ये खट्टी मीठी अच्छी लगती है ना। दिल को तुमसे प्यार हुआ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।